एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाव स्किन साइंस का हिमालयन रोज फेस एंड बॉडी स्क्रब। दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है कि एक प्लास्टिक टब टाइप ऑफ पैकेजिंग है। एंड दिस इज़ ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट। आप चाहो तो इसे ट्रैवलिंग पे भी आप ले जा सकते हो। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो ये फेस एंड बॉडी दोनों के लिए ही है। इसका इसे तो मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदी है, फ्लिपकार्ट से ख़रीदी है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से इसे परचेज़ कर लेना। एंड ये इसका शेल्फ लाइफ आप लोग देख सकते हो, ये 24 मंथ्स तक है। और इसका नेट वॉल्यूम है 200 ml। एंड दिस इज़ इन्फ्यूशन ऑफ वॉलनट शेल पाउडर, रोज़ वाटर एंड बीटरूट एक्सट्रैक्ट। एंड ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और रिजुविनेटिंग के लिए ही है। एंड दिस इज़ फॉर डल पैची कॉम्प्लेक्शन एंड टायर्ड लुकिंग स्किन। तो अगर आपकी स्किन में डलनेस है, पैचीनेस है और आपका स्किन बहुत ही टायर्ड फील कर रहा है, तो इसके लिए आप ये वाला जो रोज़ स्क्रब है आप इसे ट्राई कर सकते हो। और क्योंकि ये रोज़ स्क्रब है तो आप तो अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, तो अभी ये वाला जो स्क्रब है आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में भी हमारी स्किन में बहुत ही डलनेस हो जाती है, ड्राई हो जाता है, और हमारी स्किन में बहुत ही डार्क स्पॉट्स और डलनेस भी दिखता है और पैचीनेस भी दिखता है, और थोड़ा बहुत टैनिंग भी पड़ जाता है। क्योंकि क्योंकि हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से साबुन, हम लोग ठंड के मारे हम लोग साबुन अच्छे तरीके से नहीं यूज़ करते, जल्दबाजी में हम लोग बाथरूम से निकल आते हैं। तो उसके लिए, विंटर सीजन के लिए ये जो स्क्रब है, ये स्क्रब आप लोग ज़रूर ट्राई करना अपनी फेस, हैंड्स, लेग्स और बॉडी के लिए। शोल्डर्स और नेक के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ताकि जो भी डर्ट है और टैन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए आपकी स्किन से। ये जो हिमालयन फेस एंड बॉडी स्क्रब है, ये आपकी स्किन में रेडियंस बनाता है, रिस्टोर करता है और स्मूदनिंग केयर भी देता है। डिलीवर्स द स्किन रिवाइविंग गुडनेस ऑफ वॉलनट शेल पाउडर, रोज़ वाटर एंड बीटरूट एक्सट्रैक्ट। तो इसमें वॉलनट शेल पाउडर है, रोज़ वाटर है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट है। अ जेंटल स्क्रब दैट कैन बी यूज्ड अप टू थ्राइस अ वीक, गिविंग यू अ फ्रेश रेडियंट स्किन। तो आप इसे चाहो तो वीक में थ्री टाइम्स भी आप यूज़ कर सकते हो। हेल्प्स टू एक्सफोलिएट डेड स्किन लेयर, रिमूव डलनेस, इवन आउट पैची कॉम्प्लेक्शन, टोन एंड मॉइस्चराइज स्किन। ये आपके स्किन को टोन और मॉइस्चराइज भी करता है। रीस्टोर नेचुरल सॉफ्टनेस एंड सपलनेस। तो आपके स्किन में जो भी सॉफ्टनेस है, सपलनेस है, वो अच्छे तरीके से आपको रीस्टोर बैक करता है। और ये जो स्क्रब है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके डेड स्किन लेयर्स को अच्छे से रिमूव करता है। हाउ टू यूज़, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो फेस पे, मैं आपको बता देती हूँ। यूज़ अ फेस वॉश टू क्लींस योर स्किन एंड रिमूव डर्ट। टेक अ कॉइन साइज अमाउंट ऑफ स्क्रब। तो आपके फेस को अच्छे से फेस वॉश करना है, उसके बाद एक कॉइन साइज अमाउंट लेके ये जो बॉडी स्क्रब है इसे अच्छे से मसाज करना है इन अ सर्कुलर मोशन फॉर 1 to 2 minutes फॉर थॉरो एक्सफोलिएशन। रिंस वेल विथ ल्यूकवॉर्म वाटर। तो इसे उसके बाद आप ल्यूकवॉर्म वाटर लेके भी आप इसे वॉश ऑफ कर सकते हो। फॉर बॉडी टेक अ वार्म शावर टू सॉफ्टन योर स्किन। तो बॉडी के लिए कुछ अलग डायरेक्शंस हैं। तो बॉडी के लिए आप एक बार हॉट शावर ले लेना। अप्लाई अ जेनरस अमाउंट ऑफ स्क्रब ऑल ओवर योर बॉडी। तो थोड़ा सा एक स्कूप या 2 स्कूप, जो भी आपकी मर्जी है, तो आप अपने बॉडी को अच्छे से अप्लाई करना, मैसेज इन अ सर्क्यूलर मोशन यूजिंग मीडियम प्रेशर। तो आप इसे सर्क्यूलर मोशन में मीडियम प्रेशर देके आप इसे यूज़ करना। स्टार्टिंग एट योर फीट मूविंग अपवर्ड्स। तो अपने पैरों पे आप इसे यूज़ करना, मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर भी आप थोड़ा सा जाइएगा। एंड देन आर्म्स, शोल्डर्स एंड बैक। तो आप अपने नेक, आर्म्स एंड शोल्डर्स एंड बैक पे भी करना। वॉश ऑफ विथ ल्यूकवॉर्म वाटर। तो उसके बाद आप गर्म पानी से आप अच्छे से वॉश ऑफ कर लेना।
तो उसके बाद आप अगर आपके स्किन में कोई भी सेंसिटिव अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी सेंसिटिव है या इरिटेशन फील कर रहा है, तो आप इससे ये जो स्क्रब है इसे वीक में जस्ट वन वन एक बार ही आप यूज़ करना। आपका स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव है, मैं आप लोगों को पैच टेस्ट में रिकमेंड करती हूँ इसे यूज़ करने से पहले। तो के इंग्रेडिएंट्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी पैराबेन पैराफिन कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो ये जो बॉडी स्क्रब है वाओ का, मैं इसे एक बार खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ऐसा कुछ है दिखने में, और इसके ग्रैन्यूल्स बहुत ही सॉफ्ट है और छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। इसे आपको अच्छे से 3-4 मिनट तक अच्छे से आपको स्क्रब करना है। और बॉडी स्क्रबिंग के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई ब्यूटीशियन आप बुला लोगे तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अकेले आप अपने बॉडी को स्क्रब शायद नहीं भी कर पाओगे। या अगर आप अपने मम्मी को या किसी फ्रेंड को आप बोल सको कि मुझे थोड़ा सा कर दो ये, तो वो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अकेले इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अकेले ही करोगे ऐसे। तो इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में अच्छे से आप अप्लाई करना, और आपके जो भी डर्ट है डेड स्किन सेल्स है वो अच्छे से वो रिमूव हो जाएगा। और ये सर्दियों के लिए ही मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ये रोज़ है तो सर्दियों के लिए आई थिंक रोज़ बहुत अच्छा मॉइस्चराइज भी देता है, और ये बिल्कुल भी आपके स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा। लेकिन आप इसे इस्तेमाल करने के बाद एक मॉइस्चराइज़र या एक लोशन आप ज़रूर अप्लाई करना। तो मैंने इसे रिमूव कर दी है और मेरा स्किन अभी थोड़ा सा क्लियर लग रहा है पहले से। तो ये था आज का मेरा वीडियो, वाओ स्किन साइंस का रोज़ फेस एंड बॉडी स्क्रब। आप लोग इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।